हाय फ्रेंड्स, मैं शिखर और स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी हब में। दोस्तों, अभी हम लोग आए हुए हैं DLW यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, और मेरे सामने खड़ी है 29001 WAG 11। तो आज मैं आपको इसके बाहर और अंदर से दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार स्टडी हब को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलती रहे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जो WAG-11 है वो WAP-7 और WDG-4 का बना है। जो इसका बाहर का आउटर शेल आप ये देख सकते हैं, ये WAP-7 का बना है, और ये इसका अंदर का फ्रेम है जैसा आप ये देख सकते हैं, ये WDG-4 से लिया है। मैं आपको इसके फ्रेम दिखा देता हूँ एक बार। जैसा आप इस फ्रेम को देख सकते हैं कि ये फ्रेम WDG-4 का बना हुआ है। जो नीचे का बॉगी फ्रेम, नीचे के पूरी बॉगी फ्रेम देख रहे हैं, ये WDG-4 की बनी हुई है। और इसका जो आउटर शेल है, ये आप आउटर शेल देखिए पूरा, ये WAP-7 का बना हुआ है। और ये देखिए, ये दो बॉगी इस साइड से यहाँ अटैच होती है WAP-7 की, ये देखिए WAG-11 की। चलिए अब इसके अंदर में चलते हैं दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं, अभी हम लोग WAG-11 के अंदर आ गए हैं, और ये हमारा लोको वन के कैब वन साइड का। अभी हम लोग खड़े हैं कैब वन में। जैसा आप देख सकते हैं कि ये लोको पायलट की सीट है, और ये हमारे असिस्टेंट लोको पायलट की सीट है। और ये आप देख सकते हैं कि लोको पायलट का कंट्रोल केबल, ये स्पीडोमीटर है, ये आप थ्रॉटल देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये ब्रेक देख सकते हैं। यहाँ पे लोको पायलट के लिए फैंस दिए गए हैं, और यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फैंस दिए गए हैं। यहाँ पे हॉर्न की फैसिलिटी दी गई है। सबसे बड़ी बात कि WAP-7 में AC वेंट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर कोई भी AC वेंट्स नहीं लगे हुए हैं। चलिए अब इसके अंदर के रूम सेक्शन में चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग अभी WAG-11 के रूम सेक्शन में। अब मैं आपको बता दूं कि जो WAG-11 जितने भी मशीन रूम सेक्शन यूज़ किए गए हैं वो सब WAP-7 के यूज़ किए गए हैं। चलिए बारी बारी सबको एक बार एक देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये है HB-1 हाउसिंग, HB-1 माउंटिंग यहाँ रखी गई है, और ये हमारी इसके साथ लगी हुई है SD-1 माउंटिंग है। ये आप देखिए, ये हमारा है मशीन रूम ब्लोअर, सॉरी ये हमारा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, जो कि हमारे ट्रैक्शन मोटर को, नीचे वाले ट्रैक्शन मोटर को हवा देगा जिससे वो ठंडा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्केवेंजिंग ब्लोअर, और यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा है। स्केवेंजिंग ब्लोअर का काम ये होता है कि जैसे कि जहाँ से अगर ये एयर सक कर रहा है हमारा मशीन रूम ब्लोअर या ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, तो जो धूल जम जाती है उस धूल को हटाने के लिए यहाँ पे हमारा स्केवेंजिंग ब्लोअर यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो लगा हुआ है ये हमारा लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। जैसा आप जानते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर से जो सिंगल फेज AC मिलेगी उसको स्टेबलाइजिंग 3 फेज AC में कन्वर्ट करके ये ट्रैक्शन मोटर को देगा। इसके बगल में ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर रखा हुआ है। इसका ये काम है कि जैसे जितने भी लोकोमोटिव में कंप्रेसर्स होते हैं या ब्लोअर्स होते हैं, हेडलाइट्स होती है, बैटरी को चार्ज करनी होती है, सब यहाँ से होती है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मशीन रूम ब्लोअर है। मशीन रूम ब्लोअर का ये काम होता है कि ये एक कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करके रखता है इंजन के हर पार्ट में, जहाँ से कि जो इंजन का मशीन सेक्शन होता है वो ठंडा रहता है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखते, ये भी एक स्केवेंजिंग ब्लोअर है जो कि लगा हुआ है इसको साफ करने के लिए, इसके AC वेंट्स को या जो भी वेंट्स होंगे यहाँ पे वो साफ करेगा। जैसा आप ये देख सकते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर कूलेंट। ये ट्रांसफार्मर के दोनों साइड मिलता है। इसमें बेसिकली एक कूलिंग ऑयल यूज होता है जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर हमारा ठंडा होता है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर का कूलेंट है, इसमें हमारा कूलिंग ऑयल भरा हुआ है। अब सबसे जरूरी चीज लोकोमोटिव की, वो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर। ये आप WAG-11 का ट्रांसफार्मर देख सकते हैं यहाँ पे। इस ट्रांसफार्मर को WAG-11 के अंदर ही लगा है, और जैसा आप जानते हैं कि WAP-7 में जो ट्रांसफार्मर है वो लोकोमोटिव के नीचे लगा हुआ है, लेकिन ये इसके अंदर ही है। उस तरह सेम देख सकते हैं, यही है ट्रांसफार्मर कूलेंट, जैसे एक वहाँ लगा था एक वैसा यहीं पर लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं एक और स्केवेंजिंग ब्लोअर है जो कि इस ऊपर के वेंट्स को साफ करेगा। ये आप देखिए यहाँ पर स्केवेंजिंग ब्लोअर, और यह हमारा ट्रांसफार्मर। ये देखिए, ये एक और यहाँ पर मशीन रूम ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ पर, और उससे जुड़ा हुआ स्केवेंजिंग ब्लोअर। एक और यहाँ पे लाइन और ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे लोकोमोटिव के लिए, और यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर रखा हुआ है। जैसा एक सेट वहाँ पे है, पूरा एक सेट सेम यहाँ पे भी है। देखिए, जैसे SB2 और HB2 माउंटिंग थी, ये SB2 माउंटिंग है। ये देखिए, ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर जैसा वहाँ लगा था वैसे यहाँ पे भी एक ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर लगा हुआ है। इसका स्केवेंजिंग ब्लोअर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसका स्केवेंजिंग ब्लोअर है,
और ये उसी तरह सेम HB2 माउंटिंग, जैसे वहाँ पे SB1 SB2 था, यहाँ HB1 HB2 माउंटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकोमोटिव की वो है ये ब्रेक पैनल। ब्रेक पैनल देख सकते हैं जहाँ पे, मतलब ये प्रेशर मेंटेन करके जो ब्रेक लगाएगा वो, इसका ब्रेक पैनल पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ब्रेक पैनल लगा हुआ है अपना यहाँ पे। ये देखिए, ये आप जो मोटर देख रहे हैं ये एक DC मोटर है। जब जानते हैं कि जो पेंटोग्राफ को उठाने के लिए जो प्रेशर यूज होता है तो यही होता है। दरअसल में ये बैटरी से चलता है, बैटरी से पेंटोग्राफ ऑन होता है, जैसे ही पेंटोग्राफ ऑन हो गया तो ये DC मोटर की सप्लाई यहाँ कट जाती है और वो चलने लगता है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये कंप्रेसर टैंक है। तो यहाँ पे हमारा लोको 1 खत्म हो गया, अब सेम हम लोग लोको 2 में चलेंगे। लोको 2 में भी जो पार्ट्स हैं वो एकदम सेम टू सेम है, मतलब जस्ट कॉपी, और ये उल्टे डायरेक्शंस में है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, अब सेम टू सेम एक और ब्रेक पैनल आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा ब्रेक पैनल जो कि सेम यहाँ था वैसे यहाँ ब्रेक पैनल। ये पेंटोग्राफ उठाने के लिए वो मोटर देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेम टू सेम कंप्रेसर टैंक जहाँ पे कंप्रेस एयर भरे रहेगी। और ये आप देख सकते हैं FB माउंटिंग। FB माउंटिंग बेसिकली एक तरह से हार्मोनिक फिल्टर की तरह काम करता है जो कि फिल्ट्रेशन में यूज़ होगा हमारा। ये देखिए, ये हमारा मशीन रूम ब्लोअर लगा हुआ है यहाँ पे, पूरा सेम टू सेम अपना पूरा ये मशीन रूम ब्लोअर है। इसके अलावा स्केवेंजिंग ब्लोअर, ये HB2 माउंटिंग है, इसके साथ जुड़ी हुई SB2 माउंटिंग है, जैसा सेम सेम लोको 1 में भी था। ये देखिए, ये भाई आपका लाइन ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगा हुआ है, जैसा आप ये देख सकते हैं। ये आपका लाइन ऑफ ट्रैक्शन हो गया कन्वर्टर, और ये आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर हो गया यहाँ पे। देखिए, ये आपका भाई मशीन रूम ब्लोअर लगा है सेम टू सेम। ये एकदम लोको 1 जैसा था, लोको 2 भी एकदम सेम सेम है। मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भाई ट्रांसफार्मर कूलेंट लिक्विड ऑयल जो यहाँ पे सर्कुलेट होगा कूल करेगा। ये आपका ट्रांसफार्मर, जैसा आप ये ट्रांसफार्मर देख सकते हैं लोको 1 में लगा था, ये लोको 2 में ट्रांसफार्मर सेम लगा है, एक स्केवेंजिंग ब्लोवर वहाँ लगा हुआ है। ये देखिए, ये एक और ट्रांसफार्मर कूलेंट यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लगा, सेम टू सेम लोको 1 में जैसे दो ट्रांसफार्मर लगे थे ट्रांसफार्मर के अंदर कूलेंट, सेम टू सेम कूलेंट यहाँ पे वैसे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये एक और लाइन ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर यहाँ पे रखा हुआ है, सेम टू सेम लाइन ट्रैक्शन कन्वर्टर जैसे उस साइड था, और ये हमारा रखा हुआ है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। ये देखिए, अगल बगल SB1 और HB1 माउंटिंग जैसे सेम टू सेम था, यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर है ठंडा करने के लिए। ये देखिए, ये इसके जुड़ा हुआ स्केवेंजिंग ब्लोवर है, और ये जुड़ा हुआ उससे एग्जॉस्ट है। ये देखिए, हम लोग अब आ गए अपने लोको 2 के कैब 2 साइड में, जैसा जस्ट उल्टा है। ये आप देख सकते हैं, ये लोको पायलट की केबिन है, असिस्टेंट लोको पायलट की, और ये उसका कंट्रोल पैनल है। तो ये पूरा आपका हो गया WAG 11 का। मैंने आपको पूरा यहाँ पे WAG 11 का फीचर्स दिखा दिया है कि किस तरह WAG 11 है, आपको अंदर से दिखा दिया है। WAG 11 जो है, मैं कह सकता हूँ कि जो नीचे का आप जो बॉगी देखे थे वो केवल WDG 4 की पूरी है, जहाँ पे मतलब व्हील्स लगे और ट्रैक्शन मोटर लगे हैं, और जो अंदर की पूरी ये जो पार्ट्स यूज की गई है ये पूरी आपकी WAP 7 की है, मतलब WAP 7 के अंदर की मशीन रूम को यूज़ कर लिया गया है, और नीचे आपके WDG 4 को यूज़ कर लिया गया है, इसलिए ये एक तरह से कन्वर्जन लोको कहलाता है। हालांकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा कन्वर्जन के नाम पे नहीं है, मतलब कि हाँ बस कन्वर्जन के लिए WAP 7 का मशीन रूम यूज़ कर लिया गया है और WDG 4 के पार्ट्स यूज लगे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल स्टार स्टडी हब को सब्सक्राइब कर ले। साथ में अगर आपके मन में कोई और भी डाउट्स हैं इस WAG 11 को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।